हेलो एवरीवन, आई होप आपसे भी क्वेश्चन है। मैं आपका स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम जर्नल में। आज के सेशन में हम वोकैब वर्ल्ड में एपिसोड 4 कर रहे हैं, जिसमें हम वन वर्ड्स पढ़ेंगे विद इमेजेस। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम 20 वर्ड्स पढ़ेंगे नए। ये वीकली आता है आपका फ्राइडे को, ठीक है? वीडियोस आती हैं इसकी, तो आप एग्ज़ाम जर्नल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन वो कैब की ना मिस हो। और जो प्रीवियस आपकी वीडियोस हैं वो आप यहाँ पे ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उससे आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला वर्ड, लासरेशन। आपको इमेज देख के क्या लग रहा है, लासरेशन का मतलब क्या है? देखिए, ये एक इंसान है और उसके हाथ पे यहाँ पे कट लगा हुआ है। तो लैसरेशन का मतलब यही होता है कि अ डीप कट और टीयर इन द स्किन और फ्लेश। जैसे किसी स्किन पे कट जो लगा होता है उसे हम लैसरेशन कहते हैं। आगे लेयर, लेयर LAIR, लेयर। लेयर आप देख रहे हैं, ये एक एनिमल है, बियर है, जो अपने डेन में, जो अपने घर में है। तो उससे हमें क्या समझ में आया, लेयर क्या है? लेयर है एक प्लेस जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव इज नोन एज लेयर। आगे लैक्सेटिव, लैक्सेटिव। इसमें एक इंसान है, ये लाइक बाउल मूवमेंट्स इसके हो नहीं रहे हैं, लाइक प्रेशर लगा रहा है बहुत, ठीक है, इमेज में दिख रहा है। तो लैक्सेटिव का मतलब यही होता है, एक मेडिसिन जो है विच सॉफ्टन्स द बाउल्स, जो आपकी मूवमेंट को सॉफ्टन करता है, ठीक है। आगे लैक्सेटिव को आप क्या बोलते हैं, जैसे डाइजीन वगैरह जैसे लेते हैं, है ना, उस तरह की चीज़। आगे लियर, देखिए एक लड़की है, ये कुछ अलग तरीके से देख रही है, कुछ लाइक स्लाई वे में, ठीक है, स्लाई वे में वो देख रही है। तो लियर का मतलब यही होता है, अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, ऐसे स्लाई तरीके से देखना, ऐसे दैट इज नोन एज लियर, लियरिंग। लिमीवोरस, ये एक लड़की है और ये क्या कर रही है, मिट्टी खा रही है, ठीक है। तो लिमीवोरस का मतलब यही होता है, ईटिंग मड, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी जैसे वर्म्स वगैरह जो मिट्टी खाते हैं, लिमीवोरस। लिमी यानी अर्थ, ठीक है। ललाबाई, इमेज में आप देख सकते हैं कि एक माँ है और एक बच्चे को वो गाने सुना रही है, ठीक है, उससे सुलाने की कोशिश कर रही है। तो इसे हम कहते हैं ललाबाई। अ सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग संग टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप, जैसे लोरी सुनाना, ललाबाई मतलब लोरी, है ना। मेडन स्पीच, स्पीच यानी जो आप सबके सामने डिलीवर करते हैं, स्पीच। मेडन यानी फर्स्ट, पहली स्पीच, जैसे ऋषि सुनाक जब प्राइम मिनिस्टर बने यूके के, तो उन्होंने अपनी डिलीवर करी स्पीच पब्लिकली। तो फर्स्ट पब्लिक स्पीच बाय अ पर्सन इज नोन एज मेडन स्पीच। मैलाप्रोपिज्म, मैलाप्रोपिज्म, ये पता चल रहा है कि एक नेगेटिव कॉनोटेशन में है। तो मैलाप्रोपिज्म का मतलब क्या है, एक ये इमेज दिख रही है, ओ ही विल डिजॉल्व माई मिस्ट्री। तो ये कह रहे हैं, और ये हंस रहे हैं ये लोग, अरे डिजॉल्व नहीं होता, रिजॉल्व होता है, रिजॉल्व मिस्ट्री। तो इसका मतलब यही है कि इनकरेक्ट वर्ड का यूसेज इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, बोलने में जिसका उच्चारण जो है सेम है एज कम टू द सेम वर्ड, उसका यूसेज जो है इनकरेक्ट वर्ड का, उसे हम मैलाप्रोपिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसने डिजॉल्व बोल दिया रिजॉल्व की जगह। आगे मैनिफेस्टली, मैनिफेस्टली का मतलब होता है मैनिफेस्ट वगैरह, आजकल आप ये बहुत कॉमन वर्ड है। इट इज़ इन अ वे दैट इज ऑब्वियस टू द आई और माइंड, मैनिफेस्टली माने कि जो कि ऑब्वियस है टू द माइंड और टू द आई इज नोन एज मैनिफेस्ट। आगे मैनिकिन, ये तो आप सबने स्टोर्स या शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देखा ही होगा कि जिसपे कपड़े टांगे जाते हैं ना, स्टैचूज जो होते हैं। तो अ डमी यूज टू डिस्प्ले क्लोथ्स इन अ शॉप विंडो इज नोन एज मैनिकिन। MANNEQUIN, मैनिकिन। मनूवर, MANOEUVRE, मनूवर। मनूवर क्या होता है, इमेज में देखिए, एन अंडर हैंड डिवाइस रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द मिसकंडक्ट। कोई भी आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन उसके लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास एक तरीका है, तो उसे हम मनूवर कहते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी का मनूवर होता है, कभी कभी आपने गलत साइड पे ले ली, लेकिन आपको उसको यू टर्न लेके वापस लेके आना होता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ मनूवर, MANOEUVRE। ये आपका स्पेलिंग के केस से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको ज़रूर याद रखिए। आगे मैनोमीटर, मैनोमीटर, ये देख रहे हैं, ये एक पता चल रहा है इट्स एन इंस्ट्रूमेंट,
ये तो नाम से पता चल रहा है, तो इट इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स, ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एंड द गैसेज, तो इसे हम मैनोमीटर कहते हैं, दिस इज अ मैनोमीटर। आगे मैसोकिस्ट, मैसोकिस्ट क्या होता है, द पेन इन लविंग यू, एक बुक है इसके इससे लिखा हुआ है, तो मैसोकिस्ट इज समवन जिसको अच्छा लगता है, लाइक हु ऑब्टेन्स प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट या फिर डिफिकल्टीज, किसी को प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज में जो होता है उसे उसे वो प्लेजर ड्राइव कर रहा है, तो उसे हम मैसोकिस्ट कहते हैं, ठीक है, जिससे इसमें प्यार में हो रहा है। आगे मैट्रियार्क, मैट्रियार्क होता है कि इसमें देखिए यहाँ पे सारी फीमेल्स हैं एंड फीमेल जो है ये हेड है इस पूरी फैमिली की, तो मैट्रियार्क इज द वुमेन हु इज हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, इट इज़ अ मैट्रियार्क, सेम होता है ऐसे पैट्रियार्क जिसमें मेल डोमिनेट होती है, पैट्रियार्क, ठीक है। आगे मुस्लिम, MAUSOLEUM, मुस्लिम, मुस्लिम जो है ये ताजमहल है, इट्स अ टाइप ऑफ अ मुस्लिम, ठीक है, इट इज़ अ स्टेटली और इम्प्रेसिव बिल्डिंग हाउसिंग अ टूम और अ ग्रुप ऑफ टूम्स, जिसके ऊपर ये टूम से बने होते हैं ना गोल गुंबद, ठीक है, उनको हम मुस्लिम्स कहते हैं। आगे जैसे हुमायूं का टूम और ये ताजमहल हो गया, इस तरह के इनको हम मुस्लिम कहते हैं। मेडली, मेडली क्या है, आप देख रहे हैं मेडली सॉन्ग से रिलेटेड है म्यूजिक, तो अ म्यूजिकल कंपोजिशन मेड ऑफ अ सीरीज ऑफ अ सॉन्ग्स इज नोन एज मेडली। मेलनकॉलिक, मेलनकॉलिक पता चल रहा है ये नेगेटिव कॉनोटेशन में है, ये लड़की बहुत ही सैड और एंग्शियस सी लग रही है, तो इसका मतलब क्या है, फीलिंग अ एक्सपेंसिव पेंसिव सैडनेस, पेंसिव यानी अलॉट, लाइक काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो आप अपनी सैडनेस को, बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज मेलनकॉलिक। मेमेंटो, MEMENTO, मेमेंटो, मेमेंटो, इसकी एक मूवी भी है, अगर आपने देखी नहीं है तो आप देख सकते हो, इट इज़ बेस्ड ऑन गजनी, मतलब गजनी ने इससे उठाया है, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, तो मेमेंटो इसमें दिख रहा है कि क्या है कि समथिंग दैट सर्व्स एज अ रिमाइंडर, जैसे कि इसमें उसके पास एक अपनी बेटी की फ़ोटो है, ठीक है, तो वो एज अ रिमाइंडर है कि अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं, आर्मी में कोई जा रहा होता है बाहर, तो वो अपने साथ ये फ़ोटोज़ वगैरह लेके जाते हैं या जो लेटर्स होते हैं, तो दीज आर नोन एज मेमेंटो, ठीक है, दैट समथिंग दैट सर्व्स एज अ रिमाइंडर। मर्सनरी, MERCNARY, मर्सनरी, मर्सनरी कौन होते हैं, ये देखिए ये आपको मिलिटेंट्स या आर्मी सोल्जर के बंदे लग रहे हैं, तो ये है अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री और ग्रुप दैट ऑफर्स द पेमेंट, मतलब जो भी ज़्यादा पैसा तुम्हें ऑफर कर रहा है ना, वो जो सोल्जर हैं वो उसकी साइड हो जाते हैं, तो दोज पीपल आर नोन एज मर्सनरीज। आगे मिसोनीस्ट, मिसोनीस्ट, नीस्ट यानी न्यू और मिसो यानी नेगेटिव में, लाइक हेट में, ठीक है, तो मिसोनीस्ट इज समवन हु हेट्स न्यू थिंग्स, जैसे कि ये हाथ गाड़ी सी बना रखी है, ये बंदा जो है ये अपने हाथ से ही, ये स्क्वायर व्हील्स हैं तो ये अपने हाथ से ड्रैग करते हुए लेके जा रहा है, ठीक है, तो लेकिन ये जो नया बंदा है इसने कहा कि सर्कुलर व्हील्स लो तब तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन वो कह रहे हैं नो थैंक्स वी आर टू बिजी, हमें ज़रूरत नहीं है, हम न्यू टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हम इसी में ही ठीक है, ठीक है, हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, अ हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, जैसे हेटर कह लो कि जैसे आप सोचो ओल्ड लोग जो होते हैं वो अभी भी कैश प्रेफर करते हैं, उन्हें न्यू डिजिटल पेमेंट्स जो हैं उनको नहीं पसंद आते, कह रहे कि आजकल क्या ही चल रहा है ये डिजिटल पेमेंट, ये सब बेकार है, तो इसको हम एक एग्जांपल कह सकते हैं एज अ मिसोनियस्ट का, ठीक है। आगे मॉडस ऑपरेंडी, मॉडस ऑपरेंडी का मतलब है एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, कुछ काम करने का एक तरीका जो होता है उसे हम मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं, जैसे रूल्स और रेगुलेशंस आपको दे रखे हैं कि इस ऑफिस में जो है आप इसी तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, इतने बजे आपका ब्रेक है, ठीक है, इतने बजे आपके ऑफिस आवर्स हैं, तो उसको हम मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं। तो यही थे हमारे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है, वर्ड्स, 20 वर्ड्स थे हमने करे, अब हम नेक्स्ट सेशन में एंड सिनोनिम्स करेंगे, हम ऑल्टरनेटिव चलते हैं, पहले हम सिनोनिम्स करते हैं फिर वन वर्ड फिर सिनोनिम्स फिर वन वर्ड, ठीक है, जिससे आपकी वो कैब जो है इन टच में रहे। तो थैंक यू, आप इस सेशन में बने रहे, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा,
और अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं और आपको ये कंटेंट्स अच्छा लग रहा है और अगर आप इसे मोर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मैं कहूँगी कि आप एग्ज़ाम जर्नल के चैनल पे क्लिक करके और भी वीडियोस आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं वो आप ज़रूर एक्सप्लोर करिए। तो उसी के साथ थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।